देश भर के जहां करीब 500 जगहों पर एक साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, वो दिखाते हैं। चौकीदार ये न कोई व्यवस्था है, चौकीदार ये न कोई यूनिफॉर्म की पहचान है, चौकीदार न ही कोई एक चौखट में बंधा हुआ है, चौकीदार एक स्पिरिट है, एक भावना है। महात्मा गांधी कहा करते थे, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की बात करते थे। गांधी जी कह रहे थे कि जो भी हमें दायित्व मिला है, जिन चीजों को हम संभालते हैं, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे वो समय हो, चाहे व्यवस्थाएं हो, हमें एक ट्रस्टी के रूप में ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हम उसके ट्रस्टी हैं, हमें उसको संभालना चाहिए, गांधी जी ये कहते थे। अब आज गांधी जी तो है नहीं, लेकिन उनकी बातें, उनके आदर्श हम सबके लिए प्रेरणा है। लेकिन समयानुकूल शब्दों में बदलाव आता है, स्पिरिट वही रहता है। मेरे लिए चौकीदार ये महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप जो सिद्धांत है, उसी की एक छोटी सी पहचान है। और इस अर्थ में और इसलिए यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति, देश के कोने कोने में बैठा हुआ हर व्यक्ति जो गांव में है वो भी, जो शहर में है वो भी, जो पढ़ा लिखा है वो भी, जो अनपढ़ है वो भी, जो पुरुष है वो भी, जो महिला है वो भी, जो खेत में काम करता है वो भी, जो डॉक्टर है वो भी, जो शिक्षक है वो भी, समाज के लिए काम करने वाला व्यापारी हो, कामगार हो, हर कोई चौकीदार है। और ये भाव जितना प्रबल होगा, 125 करोड़ देशवासियों की ये जो भावना है, ये जितनी प्रबल बनेगी, आप मुझे बताइए कोई चोरी करने वाला बचेगा क्या? कोई चोरी करने का इरादा बचेगा क्या? देश को लूटने का इरादा बचेगा क्या? हर कोई अपना दायित्व सही निभाएगा, नहीं निभाएगा, एक जिम्मेवारी का एहसास होगा कि नहीं होगा? और उसी भाव को लेकर के इस चौकीदार ने अपना काम शुरू किया। और 125 करोड़ देशवासियों ने इतना भरपूर प्यार दिया, इतना समर्थन दिया, इतना विश्वास दिया कि मैंने पीछे मुड़कर कभी देखा नहीं है। और आज 2019 के चुनाव हर कोई मैदान में है, मतदाता बड़ी बारीकी से देख रहा है। और मुझे विश्वास है कि देश की जनता चौकीदार पसंद करती है। देश की जनता को राजा महाराजाओं की जरूरत नहीं है, देश की जनता को हुक्मरानों की जरूरत नहीं है। और इसलिए मुझे खुशी है कि चौकीदार का भाव निरंतर विस्तार होता जा रहा है। आज मैं हर प्रकार से अपने जीवन में एक चौकीदार के तरह काम करने वाले आप सबको मेरे सामने जब देख रहा हूं, और हिंदुस्तान के 500 से अधिक जगह पर
इस एक भाव से जो लोग जुटे हैं उनको मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मैं चाहूंगा कि आज कुछ आपसे बातें करूं, आपसे संवाद करूं और हम आगे का समय बातचीत में बिताएं। सर, आपके विचारों को सुनने के बाद जिस वजह से हम सभी, मैं भी चौकीदार अभियान से जुड़े थे, तो वजह और भी मजबूत हो गई है। सर, हमारे पास लाखों सवाल आए हैं, हम सभी उत्सुक हैं आपके साथ बातचीत करने के लिए। लाखों लाखों सवाल आए हैं देश भर से। आइए, सवाल जवाब का ये सिलसिला हम शुरू करें। पहला सवाल यही तालकटोरा स्टेडियम में बैठी एक चौकीदार हमसे पूछेंगी। अब अपना सवाल पूछ सकती है। जी हाँ, तालकटोरा स्टेडियम में बैठी चौकीदार जो है वो अपना पहला सवाल सर से पूछेंगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं अपूर्वा ठाकुर, बीए सेकेंड ईयर की छात्रा, दिल्ली विश्वविद्यालय से। मेरे दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन, आशंका या डिलमा नहीं है और इसका पूर्ण श्रेय जाता है आपको। आपने जिस प्रकार यूथ को एम्पावर किया है, मोटिवेट किया है, इससे हमारे समक्ष एक रास्ता खुल गया है अपने भविष्य को लेकर के। मैं नमो ऐप को नियमित रूप से प्रयोग करती हूँ और जब मैं भी चौकीदार इवेंट के लिए रजिस्टर किया था तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज आपके समक्ष खड़े होकर मुझे प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा। और इसके लिए, इस व्यवस्था के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज एक आम नागरिक भी अपने प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी आप जीतेंगे। और इस बार जब आप शपथ लेंगे तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी हम चौकीदारों से क्या अपेक्षा है, आप हमसे क्या उम्मीद रखते हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने एक सामान्य नागरिक के दिल की बात को बोला है और आपने बड़े विश्वास से कहा है कि देश की जनता फिर से एक बार देश की सेवा करने का मौका हमें देने वाली है। मुझे खुशी है कि हमारे देश के युवा दूर का देखते हैं। हम राजनेता तो अभी 1 तारीख को 11 तारीख को पोलिंग होगा तब क्या होगा, 21 तारीख को पोलिंग होगा तो क्या होगा, उसी में लगे पड़े हैं। आप शपथ का सोच रही हैं। ये कॉन्फिडेंस, ये आत्मविश्वास, इसकी अपनी एक ताकत होती है और इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इन सब के और से सामान्य जनता से जो आपने सुना है, मेट्रो में जाते आते लोगों से बात की, उसके आधार पर आपने कहा है। जब मैं शपथ लूंगा वो शपथ अकेला मोदी नहीं लेने वाला है, एक सौ तीस करोड़ हिंदुस्तानी लेने वाले हैं। और सबसे बड़ा शपथ होता है हम अधिकार और कर्तव्य को संतुलित करेंगे, हम अपने अधिकारों के लिए जागृत होंगे ही होंगे लेकिन अपने कर्तव्य में कभी भी कोताही नहीं बरतेंगे। एक टीचर अपना कर्तव्य निभाता है तो विद्यार्थी का और देश का भविष्य बदल जाता है। एक पुलिस वाला अपना कर्तव्य निभाता है
तो समस्याओं का समाधान अपने आप होने लगता है। और उस अर्थ में हमारे देश में पिछले 5 साल जो मुझे सफलता मिली है उसका मूल कारण जन भागीदारी है। कोई कल्पना कर सकता है कि आज स्वच्छता ये आंदोलन मोदी का नहीं 125 करोड़ देशवासियों का बन गया, और ये अब आप चौकीदार बने तभी हुआ है, और ये बिना शपथ लिए हुआ है। अगर इस बार आप शपथ लेके करोगे तो पता नहीं परिणाम कितना बड़ा आएगा। हर व्यक्ति के अपने सपने होते हैं और होने भी चाहिए, हर व्यक्ति की अपनी इच्छाएं होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन हम तय करें कि सबसे ऊपर देश। आप देखिए सारी समस्याओं का समाधान हम खुद ही अपना आप निकाल देंगे। मैं फिर एक बार आपका आभारी हूं। अगला सवाल हम लेंगे मुंबई महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। अगला सवाल मुंबई महाराष्ट्र से। सवाल पूछिए भैया। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री जी को हमारा नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, नमस्ते प्रधानमंत्री जी। मैं सीए अजय दबे हूं, मुंबई मध्ये आपला स्वागत आहे। धन्यवाद। एक धन्यवाद देना चाहता हूं, पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने जो उद्योग और अर्थतंत्र व्यवस्था के लिए जो कानून और व्यवस्था में जो बदलाव लाए हो, जीएसटी, डिमोनिटाइजेशन, इनकम डिस्क्लोजर स्कीम से लेके बैंक्रप्सी कोड, सबसे आज भारतीय उद्योग को एक नियमबद्ध तरीके से प्रगति करने की सुविधा हो गई है, और पूरे देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी इस कानूनी व्यवस्था में बदलाव लाने से जो क्लैरिटी आई है उद्योगों को, आज सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एक चौकीदार के रूप में सेवा करने में सुविधा भी मिल गई है। सो धन्यवाद। प्रश्न सर, हमारा प्रश्न ये है सर, बालाकोट में जो आपने करके दिखाया वो गजब हो गया, और सबका सीना गर्व से फूल गया है। मित्र परिवार सबको एक गर्व की भावना है, और पूरे देश में आज एक ऐसा लग रहा है कि भारत सालों बाद किसी ने भारत का दम दिखाया। सर मेरा प्रश्न है, थोड़ा व्यक्तिगत होगा आप एक तरीके से। सर दो चीज बताइए, पहला आपको यह फैसला लेने में ताकत प्रेरणा कहां से मिली, और दूसरा आपके मन में क्या यह विचार आया एक क्षण के लिए भी कि यदि इस ऑपरेशन में कोई चूक हो जाती तो आपके राजनीतिक भविष्य का क्या होगा? धन्यवाद सर। दवे जी, एक तो दवे जी आपने अपना बात की शुरुआत में किया कि बालाकोट मैंने किया। जी नहीं, बालाकोट मैंने नहीं किया है, देश के जवानों ने किया है। हमारे सुरक्षा बलों ने किया है, और ये सबसे पहले हम सब की तरफ से उनको सैल्यूट। जहां तक
निर्णय का सवाल है। देखिए इस देश में आपने ढेर सारे प्रधानमंत्री या देखे हैं या उनके विषय में सुना है, और कई लोग उस समय भी जब 2014 का चुनाव था प्रधानमंत्री की कतार में खड़े थे। आज लाइन थोड़ी लंबी हो गई है। अगर मोदी अपने राजनीतिक भविष्य का सोचता, ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा होता, तो वो मोदी नहीं होता। अगर यही राजनीतिक पैंतरेबाजी से देश चलाना होता, नफा नुकसान का हिसाब करके देश चलाना होता, अपने राजनीतिक हित, अपनी राजनीतिक भलाई, उसी को लेकर के अगर निर्णय करने होते तो मोदी की इस देश में प्रधानमंत्री बनने की कोई जरूरत नहीं थी। तो दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के करीब 500 जगहों पर एक साथ बीजेपी कार्यकर्ता और आम जनता से सीधे संवाद कर रहे थे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाएंगे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए डीएनएन न्यूज। नमस्कार।